जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यमनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यमनी श्री विराट सागर जी महाराज की। नदी बह रही थी और नदी की धार में दो तिनके भी बह रहे थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, उस धारा को रोकने का प्रयास कर रहा था, और दूसरा तिनका यह सोचकर कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो थोड़ी दूर मैं भी इसकी यात्रा में सहभागी बनूं, धार के साथ अहोभाव से बहा जा रहा था। थोड़ी देर बाद जो तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, धारा ने उसे उठाकर एक तरफ फेंक दिया और जो नदी के धार के साथ बह रहा था सागर में समा गया, सागर तक पहुंच गया। जीवन हमारा है, हम भी जीवन जी रहे हैं। संसार में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो वक्त की धार में बहते हैं और कुछ लोग हैं जो वक्त की धार से जूझते हैं। संत कहते हैं धार के साथ बहोगे तो शांति के सागर में समाहित होगे, और धार से जूझोगे तो छिन्न भिन्न हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। बहुत बड़ी कला है समय के साथ तालमेल बना करके चलना, वक्त की धार में बहने का अभ्यास करना, वक्त की धार के साथ चलना, बहना पर डूबना नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ धार से जूझते हैं, कुछ धार में डूब जाते हैं। सच्ची कला उनके पास है जो वक्त की धार में बहते हुए अपने आप को पार लगा लेते हैं, डूबने से बचा लेते हैं। अध्यात्म हमें वही कला सिखाता है, हमारा वही मार्गदर्शन दिखाता है, जिससे हम अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक थपेड़ों से बचा सके। आज मैं चार बातें आप सबसे कहने जा रहा हूँ कि आप संसार में रहते हुए भी सांसारिकता के आघातों से कैसे बचें, घर परिवारों में रहते हुए भी झंझट झमेलों से कैसे बचें, जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपने अंदर ठहराव कैसे ला सकें, जीवन की सब प्रकार की विसंगतियों के मध्य भी संगति कैसे बना सके। ये बड़ा अहम सवाल है और हर व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति आती है। हम क्या करें, जब कभी भी किसी व्यक्ति से बात करो वो अपना रोना रोता है, और रोना रोने वालों में सबसे ज़्यादा रोना व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का रोता है, रोता है परिस्थितियों का रोता है। जी क्या करे जी, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं, मेरी पोजीशन ठीक नहीं, क्या करूँ। कोई कहे धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, कोई कहे फैमिली में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कोई कहे शरीर ठीक नहीं चल रहा है, कोई कहे बच्चा बात नहीं मान रहा है, कोई कहे क्या करूं मेरी जॉब ठीक जगह नहीं है, कोई कहता है मेरा बॉस मेरे अनुकूल नहीं है, कोई कहता है मेरी पोस्टिंग गलत जगह हो गई है। न जाने कितने तरीके की बातें तुम्हारे मुख से उभरते रहती है, होता है। और इन चीज़ों को कोसने वाला मनुष्य सारा जीवन कोसते कोसते बिता देता है, जीवन का रस नहीं ले पाता। आज पहला सूत्र आपको दे रहा हूँ, मेरे साथ चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, इमोशन पर कंट्रोल रखे, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। पहला सूत्र क्या दिया, परिस्थिति नहीं मनस्थिति। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इमोशन पर मेरा कंट्रोल है।
परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरी है वो मेरे हाथ में है। मैं चीजों को किस तरीके से देखूं ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यदि मैं नकारात्मक दृष्टि रखूंगा परिणाम नकारात्मक आएगा, और यदि मेरी दृष्टि सकारात्मक होगी तो चाहे कैसी भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो मैं उससे समाधान पा लूंगा, मेरे अंदर शांति रहेगी, समरसता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा। ये मेरे हाथ में है कि मैं अपनी मनस्थिति को कैसी बनाता हूं। अपने मन को टटोलो। ऐसे लोग विरल होंगे जो कहें कि मेरे पास सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं। है क्या संसार में? एक भी ऐसा नहीं। चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली लोगों के जीवन में भी ये नहीं घटता कि सब प्रकार की अनुकूलता उसको मिले। ध्यान रखना, सब प्रकार की अनुकूलता तुम्हें मिले ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, पर जो मिला है उसे अनुकूल बना लो, वो सहज संभव है, वो तुम्हारे हाथ में। जो मिला है उसे अनुकूल बनाने की दृष्टि रखो, और उसके लिए क्या करे, अपनी मनस्थिति को बदलने का पहला सूत्र, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक देखिए, हर चीज को सकारात्मकता से देखने की कोशिश कीजिए। जो कमी है वो भी अच्छाई बन जाएगी, जो खामी है वो खूबी बन जाएगी, जो गलत है वही सही दिखने लगेगा, जो दुखदाई है उसी में सुख मिलने लगेगा। अपनी मानसिकता को बदलने का पहला सूत्र है पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हर बात को उसी एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। यदि आपके भीतर ऐसी सकारात्मकता आ जाए तो चाहे जैसी स्थिति हो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी पत्नी बीमार है, बीमार क्या, अर्ध विक्षिप्त है। ठीक ढंग से देख रेख न कर पाने का कारण एक बेटा आवारा है और दूसरा बेटा पोलियोग्रस्त है। उस व्यक्ति को खुद सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता है, घर का काम भी करता है, व्यापार भी करता है, और जब मौका मिलता है समाज के और धर्म के कार्य में भी शक्ति भर वह अपना योगदान देता है, लेकिन हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। एक बार उसके किसी मित्र ने मुझे बताया कि महाराज इस आदमी की स्थिति बहुत गंभीर है, इसकी पत्नी धर्मपत्नी अर्धविक्षिप्त है, बड़ा बेटा एकदम आवारा घूमता है, कुछ काम का नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा बेटा पोलियोग्रस्त है, और महाराज जी व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं है, बस दाल रोटी चल जाए वैसा है। मैंने उसकी तरफ देखा, अमूमन ऐसे लोग कुछ गुहार लगाते हैं, कुछ मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, गुरु की कृपा हो जाए, मेरे संकटों का निवारण हो जाए, सब होता यही बोलते हैं। कुछ नहीं होता तो कई तो यही बोलते हैं महाराज हमारे बच्चों के शादी हो जाए। हम लोग कहते रहते हैं, एप्लीकेशन आते रहते। मैं सोचता हूँ मैंने खुद नहीं की तुम्हारी क्यों कराऊंगा। अब वो क्या है, उस व्यक्ति को जब मैंने देखा चेहरे पर सहज मुस्कान, जैसे ही मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ उसने कहा महाराज ये तो संसार ही लगा रहता है, आप लोगों से हमने ये सुना है, अपने अपने कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। महाराज मैं ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी अर्धविक्षिप्त है, मैं हमेशा इस बात का फक्र मानता हूँ कि मेरी पत्नी कम से कम पूरी तरह पागल तो नहीं है, चिल्लाती तो नहीं है, पड़ी रहती है, अपना काम नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, मैं उसका काम भी कर लेता हूँ, मैं शरीर से सक्षम हूँ, कर सकता हूँ। काश मेरी पत्नी पागल हो गई होती तो क्या बुरा हाल होता। सोच, मेरा बेटा आवारा है, आवारा फिरता है, महाराज ये बात सही है, अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया, और बेटा आज थोड़ा बाहर निकल गया, पर हमेशा मैं ये सोचता हूँ मेरा बेटा आवारा है तो क्या हुआ, अपराधी तो नहीं।
अपराधी तो नहीं है, यदि दो कदम और आगे बढ़ गया होता, अपराधी बन गया होता तो मैं क्या करता, सोच देखिए। फिर उसने कहा, मेरे बेटे को पोलियो है महाराज, निश्चित ये एक लाचारी है, पर मैं सोचता हूँ कम से कम पोलियो है फिर भी वो अपना काम तो कर लेता है, चल फिर लेता है, उसे मैंने ट्राइसिकल दे रखी है, उससे वो अपना काम कर लेता है और सब कुछ है, इतना उसकी बुद्धि अच्छी है, महाराज मुझे पूरा भरोसा है कि वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा और मेरे बाद मेरे परिवार को संभाल लेगा, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। महाराज मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन में भले ही बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, पर एक अच्छाई ये है कि इन सबको निपटने की ताकत प्रभु ने मुझे दी है, मैं उसके बल पर जीता हूँ। महाराज आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं इन परिस्थितियों में भी स्थिरता बना के रह सकूँ, विचलित ना हूँ। आप सोच सकते हैं कितनी उच्च दृष्टि है, ये एक तपस्या है जो इस तरह की परिस्थितियों में भी इतनी जिंदा दिली के साथ जी रहा है। ये ताकत किसने दी, कहां से आई ताकत, कोई मंत्र से, कोई तंत्र से, किसी के आशीर्वाद से, कुछ नहीं, ये अंदर की प्रेरणा से, अपनी सोच से। तुम्हारे पास भी ये सोच की चाबी है, तुम चाहो तो सब भंडार खोल सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। और एक बात बताओ, जब पाप कर्म का उदय आता है, विपरीत परिस्थितियां सामने आती है, तो फिर क्या हमारे टालने से वो टल जाती है? कई स्थितियां ऐसी होगी जो आपके मनोनुकूल नहीं हो, उनमें जीना तुम्हारी नियति है, मजबूरी है, आप जीते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उसको कोसते रहते तो क्या मतलब है? कोसो क्यों, स्वीकार करो, ठीक है, सकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिए, आपका मन कभी नहीं डगमगाएगा, आप हर स्थिति में शांत, प्रसन्न और आनंदित रहोगे, हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी प्रकार की कमी है, परेशानी है, पर ध्यान रखना ये जीवन परेशानियों को का सामना करने के लिए मिला है, परेशानी से भागने के लिए नहीं। तुम भागोगे परेशानी का समाधान नहीं होगा, सामना करोगे बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो अपने अंदर वो जागरूकता होनी चाहिए, सोच वैसी होनी चाहिए। देखिए हमारी सोच बदलती है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती है। बहुत पुरानी घटना है, रीवा शहर की बात है, मध्य प्रदेश की। वहां के कुछ धर्म विद्वेषी लोग जैनियों का विमान नहीं निकलने देते थे। बुंदेलखंड में पर्यूषण के बाद अन्य अवसरों पर विमान निकलता है, वहां नहीं निकलने देते थे। एक बार इलाके भर के लोगों ने तय किया कि इस साल की महावीर जयंती हम लोग सामूहिक रूप से रीवा में मनाएंगे और भगवान की का विमान निकालेंगे। रीवा महाराज से उसके लिए अनुमति भी ले ली गई, पूरी तैयारियां हो गई, लेकिन धर्म विद्वेषी लोगों को नागवार गुजरा, वहां जैन समाज बहुत थोड़ी संख्या में थी, उनने इसके विरुद्ध हड़ताल कर दी, मार्केट बंद, स्ट्राइक हो गई, बाजार बंद। पंडित जगनमोहनलाल सिद्धांत शास्त्री ने यह घटना मुझे सुनाई थी और वो वहां के एक मुख्य वक्ता की हैसियत से उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि महाराज जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर लो, एक मंत्र है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर लो। महाराज यह मंत्र मुझे याद आया और मैंने तत्क्षण, वक्ता तो बहुत जबरदस्त थे ही, अपना वक्तव्य उन्होंने कुछ इस तरह से शुरू किया कि सारे विश्व में भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है, जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी है सारे लोग भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन आज जैसी महावीर जयंती,
रीवा में जैसी महावीर जयंती मनाई गई है वैसी दुनिया में कहीं नहीं मनाई गई। अभी ताली मत बजाओ, पहले सुनो पूरी बात। रीवा में जैसी महावीर जयंती मनाई गई वैसी सारी दुनिया में कहीं नहीं मनाई गई, आज तक कहीं नहीं मनाई गई। इतिहास में पहली घटना है जहां इस तरह की महावीर जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि अभी तक तो जहां भी महावीर जयंती मनाई जाती है वहां केवल जैनी अपना प्रतिष्ठान बंद करते हैं, आज जनरल ने अपना प्रतिष्ठान बंद कर दिया है और हमारी महावीर जयंती में सम्मिलित हुए। आप बजाओ ताली, मौके पर होना चाहिए। अब जब लोगों ने सुना, क्योंकि घोषित तौर पर तो उनने स्ट्राइक की नहीं थी, अब जब सुना तो लोगों ने कहा अरे इनने तो उल्टा अर्थ निकाल लिया, सारा मार्केट खुल गया। ये कुंजी है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो व्याख्या अनुकूल करो। समझ गए, सकारात्मक सोचिए, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखिए। अगर अनुकूल व्याख्या करने लगोगे तो कभी आपको दुख नहीं होगा, लेकिन आप लोग उल्टी व्याख्या करते हैं। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बड़ी दुखी थी। महाराज कोई रास्ता बताओ, बहुत दुख होता है, रोने लगी। मैंने पूछा क्या बात है, इतनी परेशान सी क्यों हो? बोले महाराज क्या करूं, हमारे ये हैं ना, उनके लिए ये थी, नाम नहीं ले रही थी, गनीमत था, हमारे ये हैं ना महाराज, बिल्कुल कुछ धर्म नहीं करते, मंदिर भी नहीं आते महाराज, बहुत दुख होता है। और लोगों को देखती हूँ, सब आते हैं, अभी विधान हुआ, सब सम्मिलित हुए, मेरी इच्छा थी, आए नहीं महाराज। मैं इतने दिन से हो, आप चातुर्मास चल रहा, आपके पास भी आज तक कभी नहीं आए महाराज, बहुत दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं सोचती हूँ कहाँ फंस गई, क्या बोल रही, मैं सोचती हूँ कहाँ फंस गई। मैंने कहा ठीक कह रही आप, ये बताओ आपके हस्बैंड शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं महाराज, सुपारी भी नहीं खाते। अच्छा, तुम्हें धर्म करने से तो नहीं रोकते? महाराज पूरी छूट है, और मैं तो जो बना के रखाती हूँ चुपचाप खा लेते, आज तक कभी शिकायत नहीं किए महाराज। मैं रोज शंका समाधान में आती हूँ, अपने हाथ से खाते हैं, मैंने आज तक नहीं दिया। बोले अच्छा, व्यापार धंधा कैसा? महाराज टॉप का। तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखते? महाराज उसकी पूछो मत, बिना कहे सब कुछ हो जाता है, मेरी रिक्वायरमेंट में कोई कमी नहीं, और मुझे खुली छूट है। अच्छा, बोले और कोई कमी? नहीं महाराज, वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है, वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है, बस एक ही बात है। हमने कहा एक काम करो, भगवान को जाके एक श्रीफल चढ़ाओ और कहो प्रभु भोले भाग्य से अच्छा पति मिला है, आगे भी ऐसा ही मिले। तुम कह रही हो, मैंने उससे कहा ये बताओ, तुम्हारा पति अगर शराबी होता, व्यभिचारी होता, तो तुम्हारा पति यदि तुमसे रोज मारपीट किया होता, तो तुम्हारा पति यदि निकम्मा होता, तो तुम्हारा पति यदि तुम्हें धर्म कार्य में रोकता होता, तो तुम्हारा पति यदि तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं किया होता, तो तुम्हारा पति यदि तुम्हारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं की होती, तो सब बातें प्लस 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 है, एक को तुमने नेगेटिव पकड़ लिया, इसलिए रो रहे हो, इसीलिए रो रहे हो। उसकी आंखें खुली, बोले महाराज हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हम बोले तुम शिकायत करना बंद करो, और एक बात और बता दूं, जब तक तुम शिकायत करोगी तब तक वो दूर रहेगा। आज से शिकायत करना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, और मेरा अनुभव ये बताता है आदमी सबकी सुनता, बीबी की छोड़कर धर्म के मामलों में, तो वो उसको सुनता नहीं, तो बोलना बंद करो, समय आएगा उसका, वो भी अपने आप आ जाएगा और उसका भाग्य जगा। चातुर्मास के आखिरी आखिरी में वो भी जुड़ गया, इनने बोलना बंद किया है। लेकिन मेरा कहना आप सबसे है कि जिन बातों को लेकर आप इतने विकल्प करते हैं उनका कोई वजूद नहीं। अगर आपने अपना थोड़ा सा दृष्टिकोण पलट लिया तो उल्टा भी सीधा हो सकता है। बंधुओं, आप 24 घंटे उल्टा सीधा करते रहते हो,
उल्टा सीधा करना बंद करो, उल्टे को सीधा देखने का अभ्यास करो, तब जीवन धन्य होगा, तब हम अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकेंगे, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ होगा, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो मनस्थिति बदलने के लिए सकारात्मक सोचिए, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखिए। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। किस पर विश्वास कीजिए? है कर्म सिद्धांत पर भरोसा तुम्हें? बोलो। जब कर्मोदय की मार पड़ती है तो क्या कहते हो? भूल जाते। ये बात सच है कि सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग लाभ हानि सब विधि के हाथ है सच्चाई ये है। उस पर विश्वास कितना? यदि तुम्हारे हृदय में कर्म सिद्धांत पर प्रगाढ़ विश्वास हो जाएगा तो तुम्हारे मन में कभी किसी के प्रति शिकायतें नहीं रहेगी। और इस विश्वास के अभाव में कभी शिकायतों से बच नहीं पाओगे। प्रगाढ़ सद्धान रखो, चाहे जो भी है ठीक है, कर्मोदय है, इसको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कर्मोदय मानकर हाथ पांव चलाना बंद कर दो, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पुरुषार्थ तो करो पर परेशान मत हो। कर्म का उदय है मानता हूं, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं जो शाश्वत है। कर्म भी आज है कल पलटेगा, लेकिन तब तक के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य कर्म सिद्धांत के सिद्धांत से मिलेगा। हर दुख का एक दिन अंत होता है, हर दुख का एक दिन अंत होता है, चाहे कितना गहन दुख क्यों ना हो। दुख शाश्वत नहीं है और तुम्हारा सुख भी शाश्वत नहीं है, पलटेगा। कर्म का उदय आया है, एक प्रकोप है, प्रभाव है, प्रवाह है, बदलेगा। आज नहीं कल बदलेगा। श्रद्धान पक्का रखो। जिस मनुष्य के हृदय में कर्म सिद्धांत पर अटल विश्वास होता है, वो जीवन में आई हुई बड़ी सी बड़ी विपत्तियों में भी विचलित नहीं होता। चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसी विसंगति हो, चाहे जैसी विषमता हो, वो स्थिर बना रहता है। देखो अंजना के ऊपर कितनी भारी विपत्ति आई थी, आई थी हा? क्या हुआ? थी निर्दोष, निर्दोष होने पर भी उसके ऊपर विपत्ति आई, और विपत्ति भी कब आई? देखो कर्म का खेल, पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान आए तब आई। कौन है पेट में? उसी भाव से मोक्ष जाने वाले कामदेव हनुमान महापुरुष, और मां पर विपत्ति। पति के घर से निकाल दी गई, पिता के घर का द्वार भी बंद हो गया। जब कर्म आड़े आता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, यह जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। अंजना ने क्या किया? रोई गाई, आरजू मिन्नत की, गुहार लगाया, किसी पर दोषारोपण किया, क्या किया? क्या किया? हाँ, चलो अब मेरे कर्म का उदय आया है, इन्हें क्या दोष दूं, ये तो केवल निमित्त बनकर आए हैं। यद्यपि मैं सही हूं पर इन्हें अभी सत्य का पता नहीं है, समय बताएगा। अभी मेरा समय इन पर किसी तरह का आरोप मढ़ने का या सफाई देने का नहीं, अभी तो मेरा दायित्व मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की रक्षा करने का है, और रक्षा भी हो जाएगी, मैं तो केवल निमित्त हूं। चलो कर्म ने ये खेल खिलाया है तो खेलती हूं, जहां ले चले वहीं मैं चलती हूं। निकल गई, कहां गई थी? कोई रिसोर्ट में? कहां गई थी? कहां? ऐसे वैसे जंगल में?
पियावार जंगल जहां सूरज की किरणें भी धरती पर न पड़े, क्रूर जानवरों का साया रहता हो, वहां वो चल पड़ी। कहने को अबला लेकिन बड़े बड़े बलवानों से भी ज्यादा पराक्रम उसने दिखाया। किसके बल पर? अपने श्रद्धान के बल पर। चलो अब जो कर्म खेल खिलाएगा खेलेंगे, मेरी होनहार अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, और बुरा होना होगा तो होगा, जाएगा तो तन जाएगा, आत्मा का तो आज तक बाल बाका भी हुआ ही नहीं है। चल गई, आगे बढ़ गई। बोलो, अंजना के ऊपर इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी विपत्ति आई, अंजना दुखी थी या सुखी? हाँ, दुखी क्यों नहीं थी? हाँ, अब मैं तुम लोगों से सवाल करता हूं, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा तो दुख है नहीं, और आज तो कानून ऐसे हैं कि कोई पवन अंजय ऐसा काम नहीं कर सकता, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो दुख नहीं है, न दुख की संभावना है, नहीं है ना? जब तुम्हारे साथ ऐसा दुख नहीं है, ऐसी दुख की संभावना तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या जो जीवन में छुटपुट दुख आते हैं उनको सहने की ताकत नहीं है? बोलो, क्या करते हो तुम? हाँ, ध्यान रखो, दुख सहने की चीज है, कहने की नहीं। दुख सहा जाता है, कहा नहीं जाता, और तुम लोग सहते कम हो, कहते ज्यादा हो। दुख को सहते ही दुख आधा हो जाएगा, और दुख को कहने से दुख बढ़ेगा। आज की अंजना होती तो क्या करती? हाँ, कोर्ट ले जाती, 100% डाइवोर्स का केस लगाती, लंबी चौड़ी संपत्ति लेने की मांग करती, उसके ऊपर मेंटेनेंस मांगती। सोच है, मैं ये नहीं कहता कि किसी अंजना के साथ इस तरह का व्यवहार हो, होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कर्मोदय से यदि कोई भी विपत्ति तुम्हारे जीवन में आए तो उसको सहो, सहने की कला विकसित करो। क्योंकि एक बात सबको ध्यान रखना है, संसार के हर प्राणी का जीवन कर्म से नियंत्रित है, हमारे जीवन के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं है। अभी मैं भला चंगा हूं आप सबके बीच प्रवचन कर रहा हूं, अगले पल मैं कैसा रहूं ये मेरे हाथ में नहीं है, है क्या? अगले पल मैं इस दुनिया में रहूं यही मेरे हाथ में नहीं है, तो कैसा रहूं इसकी क्या कहानी? कर्म के उदय में कब कैसा खेल हो जाए पता नहीं, पर हम अपने मन की कल्पना को जोड़ते हैं, किसी को इष्ट मानते हैं, किसी को अनिष्ट मानते हैं, और जो इष्ट लगता है उसके पीछे पागल होते हैं, और जो अनिष्ट होता है उससे व्याकुल होते हैं। यही हमारे जीवन की बड़ी दुर्बलता है। दो पंक्तियों को आत्मसात कर लो, धर्म का सार जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में। किसको सुनाते हो? किसको? इसको घोंट लीजिए। अगर ये बात, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया, तीन काल में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। पर आप लोगों के साथ एक विडंबना और है, आप दुख का रोना रो जरूर रोते हो पर सुखी होना नहीं चाहते। तुम लोग दुख का रोना रोते हो पर सुखी होना नहीं चाहते। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्यों? दुख का रोना रो पर इसी ढर्रे में, लाइन बदलने की कोशिश ही नहीं करो। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ट्रेन में जा रहा था और दोनों घुटनों पर सिर रख करके रोए जा रहा था।
कंपार्टमेंट खाली था, भीड़ भाड़ नहीं थी। सामने के सीट में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसने युवक को रोता देखा तो थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर भी अपने आप को साधे रही। सोचा कि हो सकता है परिजनों का बिछोह सहा नहीं जा रहा होगा इसलिए रो रहा है, लेकिन जब लगातार रोता रहा तो उसका रोना उससे देखा नहीं गया। उसने पुचकार कर पूछा, बेटा आखिर क्या बात हो गई, तू क्यों रो रहा है? तो अक्सर जैसा होता है, रोने वाले को कोई संबोधे तो और ज़्यादा रोने लगता है, तो और रोने लगा। अब जब ज़्यादा रोने लगा तो माँ अपने स्थान से उठी, उसके बाल और गाल को सहलाते हुए पूछा कि बेटा आखिर बता तो तू रो क्यों रहा है, तुझे हो क्या गया? उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई, उस बुढ़िया की तरफ देखा और वापस जोर जोर से रोने लगा। जब वो रोने लगा तो अब तो बुढ़िया से भी नहीं रहा गया, वो भी उसके साथ रोने लगी, वो बुढ़िया भी उसके साथ रोने लगी और उसे झकझोर के कहा, बेटा तू मुझे अपनी माँ के समान मान, मुझसे तेरा रोना नहीं सहा जा रहा, आखिर बता तेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है, मैं हर संभव मदद करूंगी, बता तुझे बताना होगा, मैं तेरी माँ के समान हूं, बोल तुझ पर क्या विपत्ति आ गई, तू रो क्यों रहा है, बोल तुझ पर क्या विपत्ति आ गई, तू रो क्यों रहा है। उसने धीरे से फिर से गर्दन उठाई और कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। तो उस अम्मा ने कहा, हद हो गई बेटा, गलत गाड़ी में बैठ गया तो रो क्यों रहा, अगले स्टेशन पर उतर जाना और गाड़ी बदल लेना। अम्मा बहुत देर से सोच रहा हूं, पर आजकल रिजर्वेशन का जमाना है, यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, पता नहीं वहां सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तुम लोग यही हाल है, सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हैं, बैठे हो गए नहीं, हाँ बैठे हो गलत गाड़ी में, पर बदलने की कोई, इसलिए तुम दुख का रोना रोते हो, सुखी होना नहीं चाहते, अपनी सोच को बदल लो, अभी सुखी हो जाओगे। कर्म के सिद्धांत पर प्रगाढ़ विश्वास रखिए, हमारी मनस्थिति इसी से बदलती, इससे हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जिनमें हम रोते उन्हीं में हंसने लगेंगे, ठीक है भैया, ठीक है चलो, जो है सो है। अंतर आए, मनस्थिति बदलने से कितना परिवर्तन आता है। देखिए, मेरे संपर्क में एक बड़े धनपति थे, कभी ओवर एस्टिमेट काम कर लिया और लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का कर्जा आ गया, अरबपति व्यक्ति सड़क पर आ गया। कुछ ऐसे सरकारी नीतियां आ गई जिनके कारण उनके कुछ कारोबार बंद भी हो गए, एकदम से स्थिति भयानक। 2-3 सालों से वह लगातार परेशान, कई जगह गए, कई तांत्रिकों से मिले, मंत्र तंत्र सब कर लिया, लेकिन नतीजा सिफर। मैं सम्मेलन शिखर जी में था, 2014 की बात है, वो व्यक्ति मेरे पास आए, मालूम तो था ही, हमेशा खिला चेहरा रखने वाला व्यक्ति एकदम कुमलाया कुमलाया सा आया। आने के बाद उसने अपनी व्यथा कही, उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। मैंने उसे एक वाक्य कहा, तुम्हारे कर्जे का बोझ उतारने की ताकत मेरे पास नहीं, कर्जे का बोझ उतारने की ताकत मेरे पास नहीं है, पर तुम्हारे मन का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। तुम्हारे कर्ज के बोझ को उतारने की ताकत मेरे पास नहीं है, तुम्हारे मन का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। और फिर मैंने उसे मार्गदर्शन दिया और कहा, जो है उसे फेस करो, कर्म का उदय है, जो चला गया सो चला गया, जो है उसे बचाओ। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये सोचो, जीरो से गिनती शुरू करो। तुमने अपना कारोबार शुरू किया था तो कहां से शुरू किया था? बोला, महाराज घर से 500 रुपये से अपना कैरियर की शुरुआत की थी हमने, उसके बाद तुमने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और तुम्हारी गलत नीति के कारण आज तुम फेल हुए हो। कोई बात नहीं,
तुम सोचो जब निकला था तो 500 रुपया लेके निकला था, तुम हजारों करोड़ के मालिक बन करके आज नीचे आए हो, फिर से जीरो से गिनती शुरू करो, अब तुम फिर वापस कुछ पालोगे, फिर अपना साम्राज्य पा सकते हो। इस पाए और खोए को मत रखो, कर्म का उदय है, तुमने गलत नीति अपनाई, ओवर एस्टिमेट काम किया, नतीजा तो ये होगा ही। अब जो है सबके आगे सरेंडर करो और नए तरीके से अपनी शुरुआत करो। और हमेशा ये ध्यान रखना, उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान होता है, रात के बाद तो प्रभात ही होगा। घबराओ नहीं, धीरज रखो, मेरे समझाने पर थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उमड़ पड़े। मैंने करीब आधा घंटे में उनका ब्रेन वॉश किया और उसका मन प्रसन्नता से भर उठा, चरणों में शीश रखा, बोला महाराज आपने बड़ी कृपा की, मेरे मन का सारा बोझ आपने उतार दिया, आज मेरे अंदर एक अलग प्रकार की ताकत प्रकट हो गई है, शक्ति प्रकट हो गई। अभी तक मैं जहां गया मुझे कई उपाय बताए गए, महाराज मैं उनमें उलझता रहा और लाखों रुपये तो उनमें लग गए, पर आप जैसा मार्गदर्शन मुझे किसी ने नहीं दिया, महाराज जीवन के सत्य का ज्ञान हो गया। अब आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अब विचलित ना हो सकूं, इसका सामना कर सकूं। और वो व्यक्ति 2014 से आज 2019 है, 5 सालों में काफ़ी आगे बढ़ गया और फिर से अपने कारोबार को गति देना शुरू कर दिया। ये सामर्थ्य है हमारी सोच की। कर्मोदय पर विचार तो करना ही चाहिए, कर्म कब कैसा खेल खिला दे कोई पता नहीं, इसलिए हमेशा एक बात को ध्यान रखो, संपन्नता में अभिमान मत करना और प्रतिकूलता में दीनता महावी मत होने देना। ये दोनों चीजें हमारे लिए दुखी बनाती है, इनसे बचो। तो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखो। और चौथी बात है नश्वरता का ख्याल रखो। ये सोचो सब थोड़ी देर की बात है, क्या सोच रहा है, थोड़ी देर की बात है। कितना भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, कैसी भी मुसीबत हो, क्या सोचना है, थोड़ी देर की, सब ठीक हो जाएगा, आशावादी बन के चलो। अगर आपने ये सोच लिया कि ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, तो इससे आपके अंदर में आशा का संचार होगा, आप अधीर नहीं होंगे, धैर्य उत्पन्न होगा। और जिस मनुष्य के अंदर धीरता आ जाती है वही अपनी समस्याओं का सामना कर सकता है। अधीर होने वाले तो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। संत कहते हैं हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मत हारना बुरी बात है। तो हम हिम्मत ना खोएं, ठीक है हारे तो कल जीतेंगे, आज हारे कल जीतेंगे, अभी रात है कल प्रभात होगा, आज प्रतिकूलता है कल अनुकूलता होगी, ये मन में धार करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को दिशा देने का उद्यम करना चाहिए। जो मनुष्य उस तरीके से अपने जीवन को दिशा देता है वह अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न बना रहता है। सदा बहार प्रसन्न बने रहने का ये सबसे अच्छा मंत्र है। भैया थोड़ी देर की बात है ना? अभी आप लोग प्रवचन में यहां बैठे हो, गर्मी का समय है, लू का थोड़ा असर आने लगा है, अभी आप आराम से बैठे, कोई आकुलता हो रही क्या? और अगर ये कह दिया जाए कि आज तो महाराज ने अष्टमी में मन बना रखा है, आज शाम तक महाराज उठेंगे नहीं और प्रवचन चलता रहेगा, तो क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? सबके 11:30 का टाइम अभी पता है मुझे। क्या हुआ, कहीं भी ठीक है, यहां आप लोग इतनी देर के प्रवचन से प्रभावित होकर के शायद अपना फैसला बना लो कि हम लोग यहीं डटे रहें, और मैं मान के चलता हूँ यहाँ जितने उपस्थित हो पक्के खिलाड़ी, ये प्रवचन किसी और के लिए है ना? तो अब क्या है,
जब थोड़ी देर की बात है तो कहेंगे टॉलरेट कर लेंगे, चलो आपको ट्रेन में यात्रा करनी होती है, टिकट नहीं होती और घंटे भर का ट्रेवल हो तो चलो कोई बात नहीं, घंटे भर का ट्रेवल है, हम चले जाएंगे, थोड़ी देर की बात है, खड़े खड़े चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और कहीं लंबी यात्रा करनी हो, पूरी रात का सफ़र हो और रिजर्वेशन नहीं हो तो नहीं भैया हम नहीं जा सकते हैं, ये हम इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारी टॉलरेंस पावर कब बढ़ती है, जब हम चीज़ों को थोड़ा मानते हैं, थोड़ी देर की, थोड़ी देर की, थोड़ी देर की, क्या करना है, क्या करना है, जब दुख आए तो क्या कहना है, थोड़ी देर की, थोड़ी देर की, थोड़ी देर की, बस यही तो मंत्र है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब पलट जाएगा। इतनी सी बात अगर जहन में उतर जाए तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ी देर की बात, इससे मन में धैर्य आता है, धीरज आता है और ये धीरज हमें ताकत देता है। जो लोग अधीर होते हैं उनमें हताशा आ जाती है, हताशा से नकारात्मकता बढ़ती है और जो नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं वे अपनी सारी शक्तियों को खो बैठते हैं। थोड़ी देर की बात है, एक राजा था, उसके बचपन के एक मित्र थे जो साधु बन गए। लंबे अंतराल के बाद उनका नगर आगमन हुआ, राजा साधु महाराज की सेवा में गया, दोनों तरह का अनुराग था, एक तो साधु भक्त तो था ही, फिर मित्र साधु बने और बड़े पहुँचे हुए साधु। वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँचा, उनकी भाव पूर्ण वंदना की और बाद में कहा कि हमें कोई मंत्र दे दो, हमें कोई मंत्र दे दो। वो फकीर था, बोला देख तूने मंत्र मांगा है तो मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ जो मंत्र मुझे मेरे गुरु ने दिया था, बस इस मंत्र को हाथ में रखना और इसका उपयोग केवल तब करना जब सबसे बड़े संकट से घिर जाओ। मेरे गुरु ने दिया था, मुझ पर आज तक कोई संकट आया नहीं और मुझे भविष्य में भी नहीं लगता, ये मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ। और उसने अपने बाँह का ताबीज खोल कर उसके दाहिने बाँह में बांध दिया कि ले ये ताबीज बांध के रख, इसके अंदर मंत्र है और जब तू घोर विपत्तियों में घिर जाए तो इस मंत्र का प्रयोग करना, पल में विपत्ति का निवारण होगा। राजा प्रमोदित मन से उसे स्वीकार लिया, आनंद से अपने घर लौटाया, पर राजनीति का चक्र हमेशा एक सा नहीं चलता, समय पलटा खाया, अचानक पर चक्र ने आक्रमण कर दिया और पर चक्र के अप्रत्याशित हमले से वो अपने आप को बचा नहीं पाया, जान बचाकर गुप्त मार्ग से उसे भागना पड़ा। उसके साथ सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी, 10-5 सैनिक मात्र रह गए थे, पीछे से विरोधी सेना उसका पीछा कर रही थी। वो भागा, जंगल में भागा और भागते भागते आगे पहाड़ आ गया, अब कोई रास्ता नहीं, सामने पहाड़ है, पीछे लौटते हैं तो शत्रु है, अब क्या करें। इधर उधर देखा, भगवान का नाम लिया, तभी उसे पहाड़ में एक गुफा दिखाई पड़ी। गुफा में वह बड़ी थी, गुफा बड़ी थी, द्वार बड़ा था, घोड़े और घुड़सवार सहित वो अंदर गुफा में घुस गया। अंदर गुफा में घुस गया, भगवान का नाम लेने लगा। इधर पीछे से विरोधी शत्रु आए, विरोधी शत्रु आए, इधर इसकी धड़कन बढ़ने लगी, अब तो गुफा में घुसे और मैं मरा। तभी उसे गुरु का मंत्र याद आया, उसने ताबीज खोली, उसमें देखा तो एक मंत्र लिखा था, थोड़ी देर की बात है। क्या लिखा था? थोड़ी देर की बात है। उसने उसको वापस रखा और भगवान का नाम भजने लगा कि चलो थोड़ी देर की बात है। इधर वो लोग आए, शत्रु सेना आई, इस बीच क्या हुआ, एक मकड़े ने गुफा के द्वार पर जाल बुन दिया। अब मकड़े का जाला देखा तो विरोधी सेना ने सोचा कि भाई यहाँ अंदर जाने से मतलब नहीं, क्योंकि इस गुफा में गया होता तो जाला टूट गया, ये इस गुफा में गया होता तो जाला
टूट गया होता वो कहीं और है, हम समय बर्बाद ना करें, चलो आगे। उनने अपना डायरेक्शन मोड़ लिया। काफी दूर जाने के बाद जब घोड़ों की टापों की आवाज बंद हुई तब राजा के जान में जान आई। उसने कहा मंत्र काम कर गया, थोड़ी देर की बात है। वो कुछ दिन जंगल में ही रुका, वापस अपना सैन्य संगठन मजबूत किया और सैन्य संगठन मजबूत करने के बाद पर चक्र पर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से हासिल कर लिया। और जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा फिर उसे याद आया थोड़ी देर की बात है। समझ गए, बस ये दुख सहने का बहुत बड़ा मंत्र है। क्या है? क्या है? क्या है? बस थोड़ी देर की बात है। महाराज की मंगल भावना की शुरुआत है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।